अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम साइमा नसरुल्ला, योर मैथ्स टीचर। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और क्लास हमारी है 6। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ होल नंबर। इन प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। फर्स्ट वी विल रिकॉल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, द मेयर क्वान्टिटी एंड टेल्स हो मैनी ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर आर। मीन्स नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग है, किसी भी चीज़ की तादाद को मालूम करने के लिए हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को हम ऐड कर दिया जाए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ज़ीरो, तो वो हमारा सेट जो है या वो हमारे नंबर्स जो हैं वो होल नंबर कहलाते हैं। ज़ीरो अलॉन्ग विथ नेचुरल काउंटिंग नंबर इज़ अ होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर इज़ डोनेटेड बाई कैपिटल W, मतलब कि होल नंबर का जो सेट है उसे हम W से डिनोट करते हैं। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 2A, इन विच वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10। उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि तमाम नंबर, लेस देन का मतलब क्या होता है? कम, 10 से कम नंबर जो है नेचुरल नंबर है वो हमने राइट करने हैं। सो स्टूडेंट, ग्रीन कलर में जो मैंने आंसर राइट किया गया है वो आपका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने 10 इसलिए राइट नहीं किया क्योंकि राइट से उन्होंने बोला है कि 10 से लेस देन नंबर राइट करने हैं। सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि आपने नेचुरल नंबर बताने हैं, अब उन्होंने बोला है कि आपने होल नंबर बताने हैं लेस देन 10 से। तो हम राइट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, नेचुरल नंबर और होल नंबर में जस्ट ज़ीरो का डिफरेंस है। अगर ज़ीरो राइट कर दे साथ तो वो होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट आर नेचुरल नंबर। उन्होंने बोला है कि आपने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है। लुक एट हेयर नेचुरल नंबर। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है, जबकि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होगा 1 और 0 में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 है। सो होल नंबर स्मॉलेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिपिक्ट द दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। उन्होंने हमें नंबर दिए हैं 54, 59 और 65। हमें इन्हें नंबर लाइन पर शो करना है। लुक एट हेयर, ब्लू पेन से जो मैंने राइट किया है, 50 से नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है हमारी और 65 तक उन्होंने बोला है कि मीन्स कि उन्होंने नंबर हमें मेंशन नहीं किया कि हमने कहाँ तक उसको राइट करना है और कहाँ तक नहीं राइट करना, हमने वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, 50 से स्टार्ट हो रही है हमारी नंबर लाइन, उन्होंने बोला है 54। लुक एट द हेयर, 50 के बाद नंबर क्या आता है? 51, 52, 53। ठीक है, देन हमने राइट किया 54। नेक्स्ट 54 के बाद 55, 56, 57, 58 और 60 से पहले 59। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर 60 के बाद 61, 62, 63, 64 और 65। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी विल पुट दीज वैल्यूज़ ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट नंबर डू दीज अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ नंबर लाइन, उस पर कुछ अल्फ़ाबेट्स राइट किए गए हैं। हमने क्या करना है? हमने बताना है कि वो नंबर किस नंबर के इक्वल है। लुक एट हेयर, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे नंबर और 10 तक जा रहे हैं। सो इनके दरमियान में ही नंबर होंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे 0, 0 के बाद क्या आता है? 1, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। सो A इज इक्वल टू 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 5, 6। B किसके इक्वल हो गया? 7 के। लुक एट हेयर, 7, 7 के बाद एक नंबर लाइन है 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद 10। सो ये नंबर लाइन जो है वो ऐसे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है बी पार्ट है, बी में भी सेम आपने ऐसे ही करना है। 20 से स्टार्ट हो रही है और 30 तक जा रही है, उसके दरमियान में ही तमाम नंबर्स होंगे। 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 के बाद क्या आता है? 21। ठीक है, 21 के बाद क्या आता है? 22। सो सी किसके इक्वल हो गया? 22 के। नेक्स्ट 23, 24, 25 के बाद क्या आता है? 26। तो डी किसके इक्वल हो गया? 26 के। नेक्स्ट है 27, 28 और ई किसके इक्वल हो गया? 29 के।
29 के हो गया और लास्ट पे 30. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपने ऐसे करना है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 2A की समझ आई होगी. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.